देखिए कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो कोण बी को हम समकोण ले लेंगे, बी और सी। कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस प्रमेय से एसी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी कितना दिया हुआ, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 915, 7 × 11 = 12, 5 × 6 यानी 625। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 बराबर 25, यानी AC आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कहता है आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर होता है P/H यानी कि लंबाई कर्ण, तो AB/AC, AB/AC यानी AB कितना दिया हुआ 24 और AC कितना दिया हुआ 25, 24/25 और cos A बराबर हो जाएगा आधार/कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है बी सी और कर्ण दिया हुआ है ए सी, तो आपका हो जाएगा बी सी यानी 7 सेंटीमीटर/AC हो जाएगा 25। यही हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा कहता है साइन सी बराबर, तो साइन सी सी के सामने वाला भुजालंब, तो ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी साइन ए बराबर था ना, साइन ए बराबर था तो ए के सामने वाला भुजा बी सी हो जाएगा लंब, यानी कि BC/AC होगा, तो बी सी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका ए बी, यानी ए बी हो जाएगा आपका आधार, उसी तरह साइन सी का है, साइन सी के सामने वाला भुजा ए बी हो जाएगा लंब, AB/AC, तो आपका ए बी हो जाएगा कितना 24 और ए सी हो जाएगा 25। उसी तरह कहता है कॉस सी बराबर हो जाएगा आपका BC/AC, तो आपका बी सी कितना दिया हुआ, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ 25, तो 7/25 हो जाएगा आपका आंसर, दोनों का आंसर। आकृति 8.13 में tan P − cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति दिया हुआ है PQR, ठीक है, जिसमें आपको QR ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? पी आर स्क्वायर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर आ जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी सॉरी टेन पी कह रहा है, पी के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा पी क्यू। टेन पी बराबर हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू माइनस कॉट आर हो जाएगा पी क्यू माइनस पी क्यू बाय पी क्यू बाय क्यू आर। PQ हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर बाय PQ हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। यहाँ PQ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बटा क्यू आर हो जाएगा आपको, क्यू आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 25 नहीं PQ, PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 होगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 144 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कॉट आर, आर के सामने वाला पी क्यू हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा लंब तो आधार हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बाय पी क्यू होगा, क्यू आर बाय पी क्यू, तो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा पी क्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो दोनों घटेगा तो हो जाएगा आपका 0 आंसर। यदि साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए और टैन ए का मान करके लिख दीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, हम मान लेते हैं 3k/4k, जहां के वास्तविक संख्या है, ठीक है, यहाँ के वास्तविक संख्या है, ठीक है। एक फिगर बनाएंगे हम, ठीक है, फिगर में देखते हैं ए बी और सी, ठीक है, तो साइन ए ए के सामने वाला भुजा बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 4, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 16 के का स्क्वायर माइनस 9 के का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 के। अब कहता है कॉस ए का मान याद करने के लिए, तो कॉस ए बराबर होता है कॉस ए का है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, कॉस ए के सामने वाला जो लंब है ए बी क्या हो जाएगा आधार, ए बी बटा ए सी। ए बी दिया हुआ है रूट 7 के और ए सी दिया हुआ है 4 के, के से के कैंसिल हो जाएगा रूट 7/4। ठीक है, दूसरा कहता है और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बाय आधार, लंबाई आधार। टेन ए के सामने वाला भैया बी सी हो जाएगा लंब, तो बी सी और आधार क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। तो बी सी कितना दिया हुआ है 3 के और ए बी कितना दिया हुआ है 7 के, रूट 7 के, के से के कैंसिल हो जाएगा 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, इसलिए क्या हो जाएगा cot A बराबर 8/15, यानी आधार हो जाएगा 8 और 15 हो जाएगा क्या लंब। फिगर बना लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट ए आधार हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए तो सामने हो जाएगा लंब, हो जाएगा लंब 15 और आधार क्या हो जाएगा 8। तो याद क्या करना है, कर्ण यानी ए सी बराबर, चलिए इस पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8 2 3 2, 289। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 289 यानी कि 17। चलिए क्या कहता है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब यानी बी सी बाय कर्ण यानी ए सी। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 15 और ए सी दिया हुआ है 17, 15/ कितना हो जाएगा 17। ठीक है, उसी तरह सेक ए का मान याद करना है, सेक
ए बराबर, सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर उल्टा होता है यानी साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण यानी एसी बाई बीसी, एसी बाई बीसी क्योंकि कर्ण बाई लंब होता है। एसी कितना हो जाएगा, तो एसी हो जाएगा 17 और बीसी कितना हो जाएगा, सॉरी सेक ए का है ना, एसी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेक ए जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है यानी कर्ण बाई आधार होता है, तो कर्ण हो जाएगा 17 सेंटीमीटर और ए बी हो जाएगा 8, तो 17/8 इसका आंसर होगा। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, सिर्फ सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। एक फिगर बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय आधार, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ कितना 12, तो आपको ज्ञात क्या करना है लंब। चलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी कितना दिया हुआ, तो ए सी दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी सी यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 144 यानी कि 25, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 यानी कि 5, ए बी कितना आया 5। अब कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बाय कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 5, तो 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 5/13 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाय कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है आपका 12, तो 12/13, तो 12/13 हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा बराबर लंब बाय आधार, लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है आपका 5 और आधार दिया हुआ है 12, 5/12 हो जाएगा। इसी तरह cot थीटा बराबर हो जाएगा आपको आधार बाय लंब, मतलब आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है आपको 12 और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है ए बी यानी 5, तो 12/5 हो जाएगा। sec दिया हुआ है, cosec ज्ञात करना है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है ए सी यानी 13 और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है आपको, लंब दिया हुआ है 5, 13/5 यही हो जाएगा आपको आंसर। यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, दिया है
कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब, इसको मान लीजिए थीटा, ये 90 डिग्री, तो लंब हो जाएगा क्या, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 7। तो ज्ञात क्या करना है, कर्ण यानी पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस प्रमेय से AC² = AB² + BC² AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 8, यानी 8² + BC 7² तो हो जाएगा 64 + 7² 49, ठीक है। तो 9 4 13 6 4 10 103, ठीक है, 9 4 13 6 4 10 113, ठीक है। AC² = 113 हो गया, तो AC√113 हो जाएगा, ठीक। कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 + sin θ एन टू 1 - sin θ बटा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ तो हो जाएगा 1 + sin θ। तो 1 + sin θ का होता है लंब बाय कर्ण, तो कर्ण कितना आया, कर्ण आया आपको √113। लंब कितना दिया हुआ, लंब दिया हुआ है 8, 8 / √113 इंटू 1 - 8 / √113। 1 + cos θ यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 7, 7 / कर्ण कितना दिया हुआ है 113 इंटू 1 - 7 / √113 तो क्या हो जाएगा, देखिए a + b * a - b का फॉर्मूला बैठा है दोनों, तो बैठा देंगे क्या रहे? a + b * a - b यानी a² - b² a² यानी 1 का स्क्वायर 1 - b² 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे तो आएगा a + b * a - b, तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1 - b² 7/√13, 7 का स्क्वायर 49 और √13 का स्क्वायर 113, ठीक है। कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 113 1/1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 113 - 64/113, नीचे बड़ी लाइन हो जाएगा 113 - 49/113, 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, कितना बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी 49, ठीक है, 49/113। यहां पे हो जाएगा 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64/113, 113 होगा, तो 113 से 113 कट जाएगा, कितना बचेगा 49/64, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है cot² θ बराबर हो जाएगा, cot θ बराबर क्या होता है,
कर्ण आधार बटा लंब, तो आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और लंब का स्क्वायर यानी 64।